नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। शिक्षक बहाली जो बिहार का मामला चल रहा है उसको लेकर के जो है बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं, जो न्यूज़ 18 इंडिया झारखंड है उस पर जाकर, झारखंड और बिहार उस पर जाकर देख सकते हैं। 22 से 25 सितंबर तक जो है वो प्राइमरी का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी खबर है कि सिर्फ और सिर्फ DLED अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है घोषित किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ DLED का घोषित किया जाएगा रिजल्ट। 22 से 25 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा और BED अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है, पार्टी नहीं थी फिर भी जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि भाई आप 11 तारीख को, जो 11 अगस्त को जो फैसला आया है NCT ने, जो गजट रद्द किया है उसको देखते हुए आप इस पर कोई निर्णय करेंगे। तो दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार की तरफ से, सिर्फ और सिर्फ DLED अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। 22 से 25 सितंबर के बीच ये रिजल्ट जारी होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि BED अभ्यर्थियों के लिए निराशा, जबकि DLED जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक आशा जगी है कि भाई 22 से 25 सितंबर तक जो है ये रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और जो BPSC है वो जल्दी से जल्दी जो है इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसके लिए भी डेट जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। दोस्तों रिजल्ट और रिजल्ट को लेकर के जो बड़ी खबर है वो यही है कि भाई DLED अभ्यर्थी जो हैं उनका रिजल्ट जो है 22 से 25 सितंबर के मध्य जारी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आप इसे कह सकते हैं। और BED अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है वो रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस से, कहीं ना कहीं उनके आदेश से ये चीज़ें हुई हैं। तो सिर्फ और सिर्फ DLED अभ्यर्थियों का रिजल्ट ही जारी किया जाएगा।